हेलो 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 हेलो, वेलकम 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 टू माय न्यू वीडियो। आज 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 हम लोग को मिला है, यानी कि मुझे आज मुझे मिला है कमीशन वर्क। मैं बहुत दिन के बाद एक कमीशन वर्क एक्सेप्ट कर रहा हूँ। हाँ, बहुत दिन से टाइम नहीं था तो मैंने कमीशन वर्क कौन सा एक्सेप्ट नहीं किया था, बट जब भी मुझे टाइम मिलता है तब मैं कर लेता हूँ। तो आज मिला है एक पोर्ट्रेट, मैं दिखाऊँगा आपको उसको स्केच कैसे करना है एंड उसको पेंट कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं स्केच और उसको पेंट भी करेंगे। ओके, तो बने रहिए मेरे वीडियो में। ये तो चलो स्टार्ट कर द स्केचिंग। अगर आप खुद आर्टिस्ट हो या फिर आप पोर्ट्रेट सीख रहे हो तो मैं जो टेक्निक यूज़ करता हूँ वो ये टेक्निक है। जो भी सब्जेक्ट है अपने पास, उसका आउटर शेप कैसा है उसके हिसाब से मैं उसका ज्योमेट्रिकल शेप पहले फाइंड आउट कर लेता हूँ। वो ओवल है या सर्कुलर है या फिर स्क्वायर शेप है। जब भी मैं सीख रहा था तभी मैं लूमिस मेथड यूज़ करता था, बट अभी कैसे लूमिस मेथड थोड़ा सा मुझे बोरिंग लगता है क्योंकि लूमिस मेथड में बहुत टाइम वेस्ट होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लूमिस मेथड बकवास है, बहुत अच्छी टेक्निक है सीखने के लिए। अगर वो कंटिन्यू करते हो तो बहुत अच्छा उसमें आप पोर्ट्रेट बना सकते हो, बट जैसे आप धीरे धीरे थोड़ा सा प्रोफेशनल होते चले जाते हो वो टेक्निक आपको खुद ब खुद ही वो बोरिंग लगने लगती है, ऐसा मेरा मानना है। बट मेरे लिए ये टेक्निक काम करती है तो ठीक है, मैं ये टेक्निक यूज़ करता हूँ। हर एक का अपना अपना तरीका होता है, ये मेरा तरीका है। और ज्योमेट्रिकल शेप फाइंड आउट करने के बाद मैं उसको देखता हूँ कि उसका फेस कैसा है। अभी इसका फेस जो है वो रोटेड है, थोड़ा सा टिल्ट भी है। आपने देखा रहेगा कि मैंने जो लाइन्स है वो ऐसे थोड़े से क्रॉस मारे, जैसे उसका नोज का लाइन मैंने क्रॉस अप्लाई किया, मेरे आईज का लाइन उसका क्रॉस किया है, नोज का लाइन क्रॉस किया, लिप्स का लाइन क्रॉस किया। फिर बाद में जाके मैं उसको स्केच करता हूँ। स्केच तो हो गया है खत्म, अभी मैं अभी इसको रफ कर लेता हूँ ताकि इसका जो कोल मेरे पेंट में ना घुसे, नहीं तो ये मेरा पेंटिंग डल कर देगा। और फटाफट बैकग्राउंड पेंट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके कलर्स कैसे बनाने हैं। पहले मैं ले रहा हूँ यहाँ पे टाइटेनियम व्हाइट, कैडमियम येलो, ऑकर येलो, कैडमियम रेड, क्रिम्जन रेड, बर्न सियाना एंड पर्शियन ब्लू। तो पेंट करते वक्त मैं बहुत सारे टोन्स बना के लेता हूँ, ठीक है, और मैं बहुत कम कलर यूज़ करता हूँ क्योंकि एक्रेलिक के फटाफट सूख जाता है। तो मैं थोड़े से टीन टोन शेड्स बना के रखता हूँ, मेरा लाइट टोन, मेरा मिडल टोन, मेरा डार्क टोन, मेरा हाई लाइट, मेरा शेडो, इतने थोड़े थोड़े से मैं बना के रखता हूँ ताकि अगर मेरे को बाद में यूज़ करे तो उसमें ही थोड़े से कलर ऐड करके मैं वापस से कलर बढ़ाता चला जाता हूँ। ठीक है, तो जितने टोन्स आप बना के रखोगे उतना पोर्ट्रेट आपका रियलिस्टिक दिखेगा। समझ में आई बात? जितने टोन्स आप बना के रखोगे उतना ही आपका पोर्ट्रेट रियलिस्टिक दिखेगा, तो यही मेन की है। और जहाँ पे उसका लाइट टोन है, जहाँ पे उसका डार्क टोन है, वहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हो तो ये और अच्छा खिल के आता है। अभी मैं मेरी बकबक बंद कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये आप इंजॉय कर लेना, कैसे बनता है मुझे बता देना कॉमेंट सेक्शन में, और फिर मिलते हैं एंड में। ठीक है, चल आई, टेक केयर, enjoy।
तो पेंटिंग तो हो गया ख़त्म। अभी मुझे बता देना फटाफट से कमेंट सेक्शन में कि ये पेंटिंग कैसे बना है। मतलब मैंने बनाया, बट आप मुझे बताओ कि अच्छा बना है कि बुरा तो नहीं बना है, मुझे पता है। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, मेरे भाई को अच्छा लगेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बॉय बॉय बॉय।